फिल्म इंडस्ट्री तक ऐसे कई सेलिब्रिटीज हैं जो अपने प्रोफेशनल वर्क के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर किसी ना किसी वजह से आए दिन सुर्खियां बटोरते हुए देखे जाते हैं। बात की जाए बॉलीवुड के चर्चित पटौदी परिवार के बारे में, पटौदी फैमिली का फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग ही नाम और रुतबा है। पटौदी फैमिली की बहू हैं दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर। शर्मिला टैगोर जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी बेहद अलग और खास पहचान बना रखी। शर्मिला टैगोर जो आज के समय में भले ही सिल्वर स्क्रीन से दूर हों, लेकिन आज भी करोड़ों की कमाई कर रही हैं अपने पटौदी पैलेस के जरिए। पटौदी पैलेस के नवाब हैं सैफ अली खान। सैफ अपनी पत्नी करीना कपूर खान और अपने दोनों ही बच्चों के साथ मुंबई में रह रहे हैं। काफी खुशहाल और आलीशान जिंदगी बिता रहे हैं। सैफ अली खान अपनी मां शर्मिला टैगोर से बीते लंबे वक्त से दूर है। कोरोना वायरस महामारी के चलते शर्मिला टैगोर अभी अपने पटौदी पैलेस में रह रही हैं। बीते साल से वह पटौदी पैलेस में समय गुजार रही हैं। इस पटौदी पैलेस की देखभाल कर रही हैं। वहीं अक्सर सोहा अली खान, सैफ अली खान पहुंच जाते हैं शर्मिला टैगोर से मिलने। फिल्म इंडस्ट्री में कई सेलिब्रिटीज अपने रिश्तों को सजोए रखने के लिए काफी ज्यादा मशहूर हैं, लेकिन कभी कभी खबरें आती रहती हैं कि अपने सदस्यों के साथ किस तरह से ये लोग कभी कभी झगड़ भी पड़ते हैं। आज हम बात करेंगे माँ बेटे के इस खूबसूरत बॉन्ड के बारे में। माँ बेटे की ये खूबसूरत जोड़ी अपने प्यार भरे रिश्ते के जरिए जहाँ एक तरफ लोगों को इंस्पायर कर जाती है, वहीं आम लोगों की तरह शर्मिला टैगोर और सैफ अली खान में भी झगड़े होते हैं। आज हम बात करेंगे शर्मिला टैगोर और सैफ अली खान के झगड़े के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांश राठौर। सैफ और शर्मिला टैगोर में जब झगड़ा होता है तो माहौल कैसा हो जाता है पटौदी पैलेस में, और पटौदी परिवार का कौन सा सदस्य है जो इस झगड़े को सुलझाता है? आइए बताते हैं इस पूरी ही रिपोर्ट के जरिए सैफ और शर्मिला के बारे में। देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड का चर्चित पटौदी परिवार भी अपने रिश्तों को सजोए रखने के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। पटौदी फैमिली के सदस्य भी काफी ज्यादा सुर्खियों में बने रहते हैं। अक्सर अपने दिल की बात शेयर करते हुए नजर आते हैं अपने इंटरव्यूज में। पटौदी फैमिली के सदस्य एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं ये बात जग जाहिर हो चुकी है। जब भी पटौदी फैमिली किसी इवेंट, किसी अवार्ड फंक्शन या फिर किसी पार्टी में शिरकत करती है, उस दौरान पटौदी फैमिली के सदस्य एक दूसरे को लेकर कई राज खोलते हुए नजर आते हैं और साथ ही साथ अपनी बेहतरीन बॉन्डिंग और प्यार भरे रिश्ते के जरिए भी लोगों का दिल जीत लेते हैं। बता दें आपको, दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर जो तीनों ही बच्चों से बेहद प्यार करती हैं, नवाब कहे जाते हैं एक्टर सैफ अली खान। पटौदी पैलेस के 10वें नवाब हैं सैफ अली खान। अपने पिता मंसूर अली खान पटौदी के गुजर जाने के बाद पटौदी पैलेस के 10वें नवाब बने हैं सैफ। वहीं अरबों की संपत्ति की मालकिन है शर्मिला टैगोर। काफी खुशहाल और आलीशान जिंदगी बिता रही हैं। पटौदी पैलेस का ख्याल रख रही हैं। पटौदी पैलेस में अकेले ही लंबे वक्त से रह रही हैं। बता दें आपको, बीते पिछले साल कोरोना वायरस महामारी के चलते शर्मिला टैगोर पटौदी पैलेस में ही रह रही हैं। अपनी लाडली प्यारी बहू एक्ट्रेस करीना कपूर खान, बेटे सैफ अली खान और अपने दोनों ही पोतों से वह दूर है, लेकिन अक्सर सैफ अपने परिवार के साथ पटौदी पैलेस पहुंच जाते हैं शर्मिला टैगोर से मिलने, और साथ ही साथ उनकी छोटी बेटी सोहा अली खान अपने पति कोनाल खेमू और बेटी इनाया के साथ उनके साथ वक्त बिताती हुई भी नजर आती हैं। सोहा अली खान अपनी इंटरव्यूज में कई राज खोलती हुई भी देखी जाती हैं। आज हमारी इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे शर्मिला टैगोर और सैफ अली खान के बारे में। बता दें आपको, हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है पटौदी पैलेस, जहाँ पर सैफ का ये पैतृक घर स्थित है।
सैफ के इस पैतृक घर को लेकर बातचीत की जाए तो ये घर तकरीबन 800 करोड़ रुपए का है। जी हाँ, इसकी कीमत करोड़ों रुपयों में है और ये घर काफी ज्यादा आलीशान है। इस आलीशान घर की देखरेख कर रही हैं शर्मिला टैगोर और इस आलीशान घर के जरिए वह करोड़ों की कमाई भी कर रही है। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस आलीशान घर में जब किसी फिल्म की शूटिंग की जाती है उस फिल्म की शूटिंग के जरिए जो पैसा आता है वह शर्मिला टैगोर ही रखती है। इस बात का खुलासा मजाकिया अंदाज में खुद सैफ ने किया था। जब सैफ अली खान से पूछा गया कि एक्टर के तौर पर ज्यादा कमाई की या अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देकर, उस दौरान सैफ ने बताया कि पटौदी पहले से आने वाला पैसा मां शर्मिला टैगोर ही रखती हैं, मैं तो सिर्फ नाम का ही नवाब हूँ। बता दें आपको, जब सैफ अली खान फेमस कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो में पहुंचे थे उस दौरान उन्होंने इन तमाम बातों का खुलासा किया था। सैफ अपनी मां शर्मिला टैगोर के साथ बहुत ही प्यारी बॉन्डिंग शेयर करते हैं। जितना प्यार शर्मिला अपने बेटे सैफ से करती हैं उतना ही प्यार वह अपनी बहू करीना से भी करती हैं। लेकिन हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करेंगे जब शर्मिला और सैफ में झगड़ा हो जाता है उस दौरान किस तरीके से पटौदी फैमिली के सदस्य उस झगड़े को सुलझाते हैं। इस बात का खुलासा रिसेंटली किया है एक्ट्रेस सोहा अली खान ने। सोहा ने अपने इंटरव्यू में अपनी मां शर्मिला टैगोर पर खुलकर बातचीत की है। उन्होंने बताया है कि हर कोई कहता है कि बांग्ला एक मीठी भाषा है, जो सच नहीं है। मेरी मां थोड़ी सी शिकायती किस्म की है, वह वास्तव में बहुत ही डरावनी है, ये बिल्कुल भी मीठी नहीं है। हर कोई जो कहता है कि बांग्ला भाषा मीठी है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरी माँ बांग्ला में आपा खो देती हैं। सोहा कहती हैं कि कैसे उनकी माँ शर्मिला टैगोर अपने बेटे सैफ अली खान के साथ झगड़ा कर लेती हैं, उनसे लड़ती हैं और अंत में सैफ सोहा को कॉल करते हैं। सोहा कहती हैं कि वह केवल बंगला में अपना आपा खोते हुए हिसाब किताब करती हैं। हम में से कोई भी बंगाली नहीं जानता है, मैं बांग्ला में ऐसा आपा खोती हुई। माँ बांग्ला भाषा में ऐसे आपा खो देती हैं जैसे लड़ाई हो रही हो। सबसे पहले मेरे भाई सैफ और उनके बीच ये अद्भुत रिश्ता है। जब एक दूसरे से लड़ते हैं तो वो मुझे बुलाते हैं और मुझे ही हस्तक्षेप करना पड़ता है, मुझे ही उस झगड़े को सुलझाना पड़ता है। सोहा ने बताया है कि वह फोन पर ऐसा बताती हैं जैसे कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, ये सिर्फ ऐसी ही चीज़ें हैं जो वे एक दूसरे से नहीं कहते हैं, मुझसे आसानी से कह देते हैं। इस तरह से सोहा ने खुलासा किया है अपनी मां शर्मिला टैगोर को लेकर। बताया है कि शर्मिला किस तरीके से बर्ताव करती हैं अपने बेटे सैफ के साथ जब भी वह गुस्से में होती हैं। गुस्से में होती हैं जब शर्मिला टैगोर तो वह अपने बेटे सैफ से बांग्ला भाषा में बात करती हैं और बांग्ला में वह अपना आपा भी खो बैठती हैं। इस तरीके से शर्मिला और सैफ के बीच झगड़ा होता है। लेकिन जो भी हो, सैफ अपनी माँ से बेहद प्यार करते हैं, वहीं शर्मिला अपने तीनों ही बच्चों से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं, अक्सर अपनी नाती पोतों के साथ वक्त बिताती हुई देखी जाती हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, शर्मिला टैगोर अब उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं। शर्मिला टैगोर की उम्र के बारे में बात की जाए तो शर्मिला टैगोर अब 77 ईयर्स की हो चुकी हैं। कोरोना वायरस महामारी के बीच अपनी सेहत का खास ख्याल भी रख रही हैं।
आप सभी ने देखा जाना सोहा अली खान ने इस बात का खुलासा किया कि जब भी उनकी माँ और भाई के बीच झगड़ा होता है तो वह उस झगड़े को सुलझाती हैं। वेल, शर्मिला टैगोर जो लंबे वक्त से अपने परिवार से दूर रह रही हैं और ऐसे में देखा जाए तो करीना कपूर उनको काफी ज्यादा मिस करती हुई भी देखी जाती है। पटौदी परिवार के सभी सदस्य अपने रिश्तों को बेहतरीन तरीके से निभाते चले आ रहे हैं, एक दूसरे पर भरपूर प्यार लुटाते हुए नजर आते हैं, एक दूसरे को लेकर अपने इंटरव्यूज में कई राज खोलते हुए भी नजर आते हैं और सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे पर प्यार बरसाते हुए भी देखे जाते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।